हेलो फ्रेंड्स, आज हम देख लेते हैं कि टू वे स्विच का वायरिंग कैसे करते हैं। आपने टू वे स्विच के बैक साइड में देखा होगा तो उसके पीछे तीन टर्मिनल होते हैं हम दो स्विच इधर ले लेते हैं टू वे स्विच। उसका कनेक्शन सिंपल ही है, जो ऊपर का टर्मिनल है दोनों स्विच में जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है, और नीचे दो टर्मिनल है, एक पहली टू वे स्विच का नीचे वाला और दूसरे टू वे स्विच का नीचे वाला, वो हम कनेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ। मान लो कि आप ये दोनों टू वे स्विच से एक बल्ब आपको चालू बंद करना है तो वो आप कैसे करेंगे, चलो हम देख लेते हैं। टू वे स्विच से हम एक बल्ब को चालू बंद करेंगे तो उसका बीच वाला है सेकंड टू वे स्विच का, वो हम डायरेक्ट बल्ब में देंगे, और बल्ब का दूसरा टर्मिनल है हम डायरेक्ट न्यूट्रल दे देंगे, और ये उसका बीच वाला टर्मिनल में हम फेज कनेक्ट करेंगे। तो ये बल्ब कैसे दो स्विच से दो अलग अलग जगह से चालू बंद होगा, चलिए हम देख लेते। मान लो कि ये फेज इधर से इधर आया, फिर ये स्विच बंद है तो ये टर्मिनल इधर कनेक्ट होगा और वो फेज इधर पहुंच गया, और ये स्विच चालू है तो ये इसके साथ शॉर्ट होगा। जैसे ही हम ये स्विच बंद करेंगे तो ये इधर शॉर्ट होगा और ये बल्ब को कम्प्लीटली पाथ मिल जाएगा, ये बल्ब ग्लो करने लगेंगे। ऐसे ही देख लो कि हमने ये स्विच बंद है और एक स्विच चालू है, ऐसे ही हमने ये स्विच चालू किया तो ये कॉन्टैक्ट है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, वो इधर से पाथ कंप्लीट नहीं होगा तो ये बल्ब बंद हो जाएगा। वैसे ही एक दूसरी हम लोग के ये स्विच चालू है तो ये इसके साथ शॉर्ट है तो हमारा पाथ इधर से इधर कंप्लीट होगा, इधर आ जाएगा। ये स्विच बंद है तो बल्ब ग्लो नहीं होगा। मान लो कि ये स्विच हमने चालू किया तो ये नीचे के साथ शॉर्ट हुआ और बल्ब को एक कम्प्लीटली पाथ मिल गया, ये बल्ब चालू हो जाएगा। वैसे ही हम ये टू वे स्विच का यूज करते हैं। जो हमारी ये लैंप है वो दो जगह से हमको चालू बंद करनी है, वहाँ पे हम टू वे स्विच का यूज करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इलेक्ट्रिकल अड्डा।